हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेसिका राणा। आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में। तो भिवानी की बेटी जेसिका यूक्रेन में पढ़ रही थी, यूक्रेन के खारकीव में, जहां काफी बमबारी भी हुई, और अब ये भिवानी पहुंची हैं। हम इनसे बात करेंगे। जेसिका, आपका स्वागत है। जेसिका, आप बताएंगे कि कैसा रहा आपका और क्या सिचुएशन थी वहां पर, हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। वहां पे 24 तारीख को ब्लास्ट हुआ था सुबह 5 बजे। उसके बाद हमें बंकर्स में डाल दिया गया था जी। हम पूरा एक वीक बंकर में रहे थे, और वहाँ पे हमें निकलना था। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे कर्फ्यू हटा दिया था, ट्रेन्स चला दी थी वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ से निकल जाए। तो मुझे निकलना था वहाँ पे 1 तारीख को, निकल रही थी मैं। तो जब हम वहाँ से निकल रहे थे, हॉस्टल वालों ने हमें ये कह दिया था, अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम अपने रिस्क पे जाओ, हमारे रिस्क पे नहीं जाओगे। तो हम वहाँ से निकल रहे थे ना, तो सुबह ही ब्लास्ट हो गया था एक और। तो दोबारा हॉस्टल वालों ने हमें अंदर बंकर में डाल दिया था, जो भी बच्चे निकल रहे थे। आधे थे जो वो निकल चुके थे, और हमें निकलना था, हमारे टाइम पे ब्लास्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद शाम को एडवाइजरी आई थी इंडियन एम्बेसी की भी और कीव से भी, कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लीव कर दें। तो सुबह फिर रात को हमारे हॉस्टल वालों ने बोला कि सारे स्टूडेंट्स को हम निकालेंगे सुबह 5 बजे, पैदल वॉकिंग करके हम जाएंगे स्टेशन। वोक्जाल स्टेशन पे जाना था, वो 8 किलोमीटर पड़ता था हमारे वहाँ से। तो हम पैदल सुबह 5 बजे निकले, सारे हॉस्टल के बच्चे निकले। फिर हम वहाँ से जाने लगे, तो रास्ते में भी ब्लास्ट हुए थे, 3 ब्लास्ट हुए थे, स्टेशन के पास ही हुए थे। फिर हमें थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड कर दिया था, वहीं पे मेट्रो स्टेशन था उसमें ही। फिर उसके बाद जब थोड़ा सब कुछ ठीक हुआ, तब हमें वहाँ से स्टेशन पे लेके गए। ट्रेन खड़ी थी वहाँ पे, हमें खारकीव से हमें जाना था लवीफ, तो वहाँ पे लवीफ तक की ट्रेन थी। तो वहाँ पे तो पहले तो उधर के सिटीजन्स वगैरह को बिठाया उस ट्रेन में, देन उसके बाद जो इंडियंस थे, ओनली गर्ल्स को ही, बॉयज़ को नहीं बिठा रहे थे वहाँ पे। तो ट्रेन जैसे फुल हो गई थी, हम भी चढ़ चुके थे। फिर जो एक दूसरी ट्रेन थी, जो और बच्चे बच गए थे उनके, 12 बजे, तो इतने में ही वहाँ पे रशियन फोर्स वगैरह आ गई थी। तो रशियन फोर्स ने बच्चों को नहीं चढ़ने दिया, और बच्चे थे, इंडियन बच्चे थे। हाँ, बॉयज़ को तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ने दे रहे थे वो, और जो गर्ल्स थी उनको भी नहीं चढ़ने दिया था। उनके बच्चों के सामने फायरिंग वगैरह करने लगे थे वो रशियन आर्मी वाले। फिर उनको सेफली जो हमारे हेड्स वगैरह थे, उन्होंने सेफली उनको वॉक करा कि 40 किलोमीटर एक पोस्चिनिया नाम का कुछ था वहाँ पे, उधर लेके गए। उधर उनको 2 दिन बंकर में रखा था उनको भी। और हम निकल चुके थे, हमारे में भी वहाँ से कीव पड़ता था, 6 आवर का वे था इतना कुछ। तो जब हमारी ट्रेन वहाँ पे एंटर की थी स्टेशन पे, तब हमारी ट्रेन के जाते भी ब्लास्ट ही हो गया था वहाँ पे एक और। तो जब आप कीव में थे, उस टाइम क्या सिचुएशन थी खारकीव में, कि आप बंकर में थे, उससे पहले जब अलर्ट हुआ कि युद्ध हो रहा है रशिया और इसका, तो उसमें उस टाइम क्या लगा, क्या फीलिंग्स आई आपके माइंड में, आपने कोई कॉल की भिवानी? हाँ, पेरेंट्स को बताया था कि ये बात हो गई है, तो फिर उस टाइम पे पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्लाइट बेस भी बंद हो गया था, क्योंकि कीव एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था। तो फिर पेरेंट्स बोले कि जैसे सिचुएशन हो बताते रहना। फिर 1 हफ्ते तक तो हमें कुछ नहीं लग रहा था कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई बच्चे फोन वगैरह करते थे, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। जैसे जैसे इंडियन एम्बेसी ने नंबर जारी किए थे, वहाँ आप कॉल करते थे, तो वहाँ से क्या रिप्लाई आता था आपको? इंडियन एम्बेसी वाले पे कॉल कई बार मिलती भी नहीं थी, नहीं भी मिलती थी। और जैसे बाहर ब्लास्ट हो रहे थे, आप बंकर में थे, तो क्या फील कर रहे थे उस टाइम आप? उस टाइम हम उन ब्लास्ट को मतलब साउंड भी सुनते रहते थे पूरा दिन, तो साउंड सुनते थे ब्लास्ट की, एयर स्ट्राइक्स होती रहती थी, फिर उन्हें इग्नोर ही करते थे हम। तो वहाँ खाने पीने का, रहने का, बंकर में सारी सुविधाएं मिल रही थी आपको वहाँ पे? बंकर ये था कि जैसा भी हमें एडजस्ट किया हमने किया। खाने पीने का जितना हमारे मेस वालों के पास था जो बचा हुआ था, वो उन्होंने प्रोवाइड किया, और जब ख़त्म हो गया तो वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी बाहर नहीं जा सकते थे। और बंकर था, डस्टी रहते थे नीचे, मिट्टी वगैरह, क्योंकि अरेंजमेंट तो थी नहीं पहले से, ऐसे कुछ पता नहीं था कि ये सब भी होएगा। तो ये बंकर पुराने थे बने या अभी बनाए थे गवर्नमेंट ने वहाँ पे?
नहीं, वो गवर्नमेंट मतलब कि जो बेसमेंट होते हैं ना अपने हॉस्टल के नीचे बेसमेंट था, उनमें रखा हुआ था। अच्छा, जो बेसमेंट है उसी को बंकर मानते हैं लोग, स्पेशली आर्मी के बंकर होते हैं उस टाइप के बंकर नहीं थे? वो बंकर नहीं थे, हॉस्टल का बेसमेंट था नीचे अंडरग्राउंड, उनमें थे। तो ऐसा भी हुआ कि आप बिना खाए रहे हों या परेशानी हुई, आपके मन में स्ट्रेस भी आया होगा वहाँ पे? स्ट्रेस आता था, पर ऐसे करने से सारे बच्चे डिमोटिवेट होते थे, तो फिर हम कार्ड्स वगैरह खेलते रहते थे वहाँ पे, तो इग्नोर ही करते थे सब कुछ। खाने पीने का एक दो दिन हुआ था, पर एडजस्ट किया था हमने। एडजस्ट हो गया था। तो कितने बच्चे थे आप लोग बंकर में? बंकर में हम 500-600 इतने कुछ थे। अच्छा, एक बंकर में इतने बच्चे थे, 500 बच्चे? एक मतलब कि बेसमेंट्स थे, वहाँ पे शेल्टर बने हुए थे, ऐसे रह रहे थे शेल्टर्स में, अलग अलग शेल्टर्स में। हमारे शेल्टर्स में शायद 200 हो, इतने कुछ हो। जैसे ट्रेन से आप निकले वहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? हमें लवीव रीच करना था, हम लवीव उतरे, फिर हम लवीव से हमने पोलैंड बॉर्डर के लिए टैक्सी बुक की थी, फिर हम उधर उतर के पोलैंड बॉर्डर गए। वो बॉर्डर फिर पेरेंट्स ने जो जनरल वीके सिंह है उनसे बात वगैरह कर रखी थी, उन्होंने कहा कि बच्चे को बॉर्डर वगैरह पे भेजो पहले। फिर हमने जितना वो बॉर्डर हमारा 8 आवर्स में क्रॉस हुआ था, मतलब पहले ग्रुप वाइज भेज रहे थे, थोड़ा थोड़ा भेज के, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे भी भीड़ ना हो, रश ना हो, इसलिए। तो हमारा वो रात को क्रॉस हुआ था, फिर क्रॉस होते ही हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई थी वहाँ पे, फिर इंडियन एम्बेसी हमें लेके गई थी होटल में, फिर होटल में उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर रखा था बच्चों के लिए, खाने पीने का सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट, हाँ अच्छे से अरेंजमेंट थी। फिर उधर लिस्ट लगनी थी, हमें रजिस्ट्रेशन कराना था, तो उस लिस्ट में नेम भी नहीं आया था मेरा फ्लाइट के लिए। फिर पेरेंट्स ने बात की उनसे, जो वीके सिंह जी थे उनसे बात की, फिर उन्होंने लिस्ट में नेम वगैरह डलवाया, फिर उन्होंने वहाँ से इंडियन एम्बेसी हमें एयरपोर्ट पे लेके गई थी, उसी दिन नेम आ गया था। तो आप पोलैंड से स्पेशल प्लेन से फिर दिल्ली पहुँचे? हाँ जी, पोलैंड से फिर दिल्ली तक। ये तो बातें हुई युद्ध को लेकर, लेकिन आप MBBS इंडिया से भी कर सकते थे, इंडिया में और यूक्रेन में क्या फ़र्क है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? इंडिया में यूक्रेन का तो इसलिए डिसाइड था कि पहले से ही ये था कि फॉरेन जाके करना है, पढ़ना है, वहाँ पे स्टडीज़ करनी है। इंडिया में थोड़ा ये भी है, यहाँ पे डोनेशंस भी लेते हैं ज़्यादा, और उधर थोड़ा ठीक हो जाता है MBBS भी यहाँ के बजट से। अच्छा, कॉस्टिंग का मेजर इशू रहता है इंडियन को लेकर और यूक्रेन को लेकर, तो काफ़ी बड़ा गैप है इसके अंदर। हाँ जी, और सीट्स भी नहीं मिलती यहाँ पे जल्दी से, सीट्स भी फुल हो जाती हैं। अच्छा, पे शीट हैं जो प्राइवेट हैं उनमें भी स्पेस नहीं है इंडिया में? फिर जो अगर लेना है तो वहाँ पे डोनेशन मांगते हैं, फिर डोनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे जो इंडियन है ज़्यादा यूक्रेन जाते हैं। काफ़ी बच्चे गए हैं इंडिया से, अब तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं मुझे लगता है, लेकिन काफ़ी आपके साथ परेशानी भरा टाइम रहा ये। हाँ जी, ये थी जेसिका राणा, इनके फादर मदर से भी हम लोग बात करेंगे जल्दी ही, और ये एपिसोड में हम लोग ऐड करेंगे। काफ़ी समस्या रही इनके साथ, अब भिवानी पहुंची हैं। अब भिवानी पहुंचकर कैसा लग रहा है जैसिका आपको? अच्छा फील हो रहा है अपने घर पे आके, अपने इंडिया आके। तो अब क्या होगा आगे की पढ़ाई का आपका? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं इसके बारे में, क्योंकि आपकी स्टडी कम्प्लीट तो हुई नहीं यूक्रेन में, तो अब इंडिया में क्या करेंगे आप? अभी थोड़ा वेट करते हैं क्या गाइडलाइंस आती हैं क्या नहीं आती है, उसके बाद ही डिसाइड। अगर वहाँ का हुआ सब कुछ ठीक हुआ तो वहीं पे जाके करेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ करती है इंडिया का भी तो यहाँ पे भी ठीक है फिर। ये थी जेसिका राणा, जिन्होंने यूक्रेन में स्टडी के लिए गई MBBS के लिए, और काफ़ी दिक्कतें आई। पहले एटमोसफेयर ठीक था, लेकिन अब आज के हालात आप सबको पता है रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है। हम इनके फादर मदर से बात करेंगे जल्दी ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब हम बात करेंगे राणा दुष्यंत सिंह जी से और जानेंगे कि जेसिका का सफर यूक्रेन से भिवानी का कैसा रहा। यूक्रेन में जब गई तो मैंने इसको कहा था अगर तेरा एडमिशन वहां करवा देता हूं तो तू देख ले, तो इसने कहा नहीं पापा मेरे को यूक्रेन पसंद है, आजकल स्टूडेंट भी वहाँ पे बहुत जाते हैं और मेरा ग्रुप भी जा रहा है, जो कि ग्रुप में 32 लड़कियाँ थीं आदर्श एकेडमी में कोचिंग लेती थी, इसका मन था मैं कह रहा वहाँ चली जा बेटा, नहीं मैं तो रशिया भेज रहा था इसको। फिर ये मेरे को संकेत मिला कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है,
तो मैंने इसको फोन किया रात को, मैंने कहा बेटा तू वहां से आ जाने वाली, पापा यहाँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ बच्चे मौज कर रहे हैं, खेल रहे कूद रहे, या तो हमारे युद्ध की कोई बात ही नहीं है। जो कि 24 तारीख को फिर मैंने फोन किया, फिर भी कोई बात नहीं, इसने बोले नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश है। जब 24 तारीख को बम फटे वहां पे, जैसे मिसाइल वगैरह फटी, तो इन्होंने आवाज सुनी, आवाज सुनी, तो फिर इनका 25 तारीख को फोन आता है कि पापा यहाँ तो ये हमें बड़ी मिसाइल वगैरह ये खुड़के हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ खतरा है। मगर कैसे, तो बेटा टिकट करवा दो आज, नुबली अभी ये दो तीन दिन देख लेते हैं। तो फिर इसने मना कर दिया। फिर मैंने अपने जो संपर्क थे हमारे, जो भी जिसे बड़े आदमी से पॉलिटिकली संबंध थे, उनसे कहा, उन्होंने बोला आप देख लो उनसे पता करके। फिर मैंने लड़की से, हमारी रोजाना बात होती थी व्हाट्सएप पे, तो इसने कहा मत बता बेटा, नुबली पापा मैं अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपको बता दूंगी। तो फिर भी इसने नहीं बताया। फिर जब हटे के काफी होने लगे और पब्लिक एक्सप्रेस होगी, तो जब इसने कहा अब मेरे को दिक्कत है, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हिम्मत बांधी इसकी, क्योंकि हमारे तो परिवार में जो बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी भी फौज में थे, हमारे उसके दादाजी के जो फादर थे वो भी थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, दादाजी भी हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार में रहे हैं, जो कि 4 साल जर्मन में कैद भी हो गए थे वो, और 4 साल बाद आए तो जिंदा आए वो, बड़ी अच्छी बात। इसके ताऊजी भी थे हमारे से बड़े भाई, वो भी 2 युद्ध लड़के, श्रीलंका का लड़ाया, कारगिल का लड़ाया, और इसके दादा के परदादा भी थे वो भी उसमें रहे थे, कैप्टन भावर सिंह जी थे, सौभक सिंह जी थे, ठाकुर बने सिंह जी थे, और ठाकुर मामन सिंह जी थे इसके दादाजी, वो भी युद्ध लड़के आए थे। तो जो भी आए तो वो जिंदा लौट करके फतेह करके लौटे। तो हमने हिम्मत बांधी रखी, बेटा डरते नहीं है, युद्ध में अगर कोई बात हो तो बच्चियों को भी, और भी तेरी जितनी सहेली है, मित्र है, फ्रेंड है, उनको सबको हिम्मत बांध, और मर जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, और भूखी प्यासी जैसी भी तेरा रहना है रह के दिखा इनको, हिम्मत दिखा इनको सबको। तो बेटी ने हिम्मत बंद की इसकी, ये और लड़कियों को भी अपनी हिम्मत से काम चलाया इसने, और काफी इसने हिम्मत से 4 दिन भूखी भी रही है, 40-40 किलोमीटर पैदल भी चली है। फिर इनको बंकर में रोक दिया गया। बंकर की व्यवस्था आप जानते हो कैसी है, कैसी नहीं, जैसे फौजी बंकरों में रहते थे, तो इसके ताऊजी भी इसको बात बताते रहते थे बंकरों की सारी, और इसके सभी जो नन मामे जो भी है इसको बात बताते थे, बच्चे भरी डरी नहीं, हिम्मत बांध रखी इसने। फिर ये मैंने वीके सिंह से कहा, फोन पे बात हुई मेरी, हमारे जनरल मिनिस्टर है जनरल साहब, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने फिर मेरे को कहा भी ये आप जो है ना ये इसका अता पता दो, इसका सही पता मैंने फोन करके रात को लिया, इसने कहा इस बंकर में और इस हॉस्टल में, इसमें मैंने लोकेशन उनको दी, तो उनको लोकेशन वो पिए थे उन्होंने उसको, उनको लोकेशन दे दी, उन्हें कहा मेरी बेटी है मैं अपने आप ले आऊंगा, तो उन्होंने काफी मदद करी। ये जैसे ही वहां पहुंची बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे इसने फोन करके उनको, वीके सिंह जी ने भी इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, तो इन्हें बता दिया, वह होटल का एम्बेसी का होटल था, उसमें सरकार ने बड़ी मदद की, तो मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ, मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, वीके सिंह जी का भी, और आप जैसे सभी प्यारे लोग जिन्होंने दुआएं की भगवान से, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे दादी हो, अंकल हो, बुआ हो, पड़ोसी, हमारे सभी सबने दुआएं करी, हमारी बच्ची को स्वकुशल सेम हमारे पास भेजा, और इसकी चाबी पूरी हो जाएगी, कोई नहीं है तो बच्चे का साल खराब है, अगली साल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एमबीबीएस की इसकी इच्छा रही तो एमबीबीएस भी करेगी, कोई बात नहीं, बच्ची आपके सामने है जी, हम बड़े खुश है भगवान से, हम धन्यवाद भी करते हैं भगवान का कि ऐसे बच्चों को हिम्मत दे, हौसला दे, और सभी को घर वापिस करेगी। बिल्कुल, ये थे राणा दुष्यंत सिंह जी जो जेसिका के फादर हैं, इन्होंने बताया कि बेटी काफी ब्रेव है और अच्छे से वापस आई है, और सरकार ने कितनी सपोर्ट करी आपको उसके बारे में बताइए। सरकार ने हमारी, ये सरकार की मदद है जी, आज ये सरकार अच्छी है तो इन्होंने मदद करी है, ये सरकार तो ऐसी है, अभी अफगानिस्तान में भी झगड़ा हुआ था, तालिबानों ने किया था, तब भी उनको यात्री को लेकर आए थे, इंडियन जो भी है हमारे सबको वापसी, इससे पहले तो हमने कुछ देखा नहीं जी, काफी युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट भी हुआ है, सेकंड भी हुआ है, कारगिल भी हुआ है, काफी हुआ है, कारगिल में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने मदद की फौजियों की, जो आज तक ऐसी सुविधा किसी ने दी नहीं है,
मैं तो देखो जिसकी बड़ाई है, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति ने मदद करी उसकी बड़ाई तो करना हमारा फर्ज है जी, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी अव्यवस्था करी है पार्टी ने भी, पार्टी से कोई भी हो, लेकिन आज ये मोदी जी हमारे ये सब चीजों में आगे रहते जी। सबसे पहले एक पैसा हमारा लगया नहीं, वहां से बच्ची को वहां से यूक्रेन से चली, यूक्रेन की राजधानी में ये रहती थी खार्कियों में, वहां से लेकर के इसका बॉर्डर तक टैक्सी का तो कोई खर्चा लगा वो लगाया, बाकी बॉर्डर पे आने के बाद में कोई होटल का कोई कुछ खर्चा नहीं, इंडिया तक उन्होंने पहुंचाया, प्लेन से उतरी और वहां से आपके सामने ये बच्ची आज बैठी है। ये आप लोगों की दुआ है, सब देश की दुआ है, दया है, सभी परिवार की, पितरों की, सभी। हम तो बाबा लोड़पीर को मानते हैं जी बहुत ज्यादा, हमारे बाबा लोड़पीर जी जब भी कोई फौजी जाता है और वो अगर लड़ाई पे बॉर्डर पे गोलियां चला रहा है, मशीन गन चला रहा है या तोप चला रहा है, तो उसको बाबा लोड़पीर खड़े दिखते हैं। और ये रिकॉर्ड है हमारा, आज तक भी हमारा कोई फौज में शहीद नहीं हुआ जी, वो विजयी होकर के आया है, चाहे हमारे दादा हो, परदादा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, ये हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और भगवान ने हमारी बच्ची को घर भेजा जी, ये आप लोगों का धन्यवाद जी। बिल्कुल राणा जी, आप काफी संतुष्ट दिख रहे हैं भारत सरकार की कार्रवाई से, और ऐसा हुआ भी है कि सभी बच्चे सकुशल वापस इंडिया लौटे हैं। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई एपिसोड में, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।